हमारे साथ जुड़े रहने के लिए ज्ञान ट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही इस बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। क्या आप भी इंस्टाग्राम रील्स वीडियो को गैलरी में सेव करना चाहते हैं, वो भी बिना किसी एप्लीकेशन डाउनलोड करे? क्या आप जानना चाहते हैं कि इंस्टाग्राम रील्स वीडियो को हम डाउनलोड कैसे कर सकते हैं? तो फिर इस वीडियो को देखते रहिए। हेलो, नमस्ते, मेरा नाम है सनोज। तो चलिए इसे देखने के लिए चलते हैं हम अपने फोन पे। अब यहाँ पे अब हम अपने फोन पे हैं और इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कि हम इंस्टाग्राम रील्स वीडियो को अपने गैलरी में कैसे सेव कर सकते हैं। आपको कोई भी ऐप डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, कोई भी वीडियो का लिंक कॉपी नहीं करना है, किसी वेबसाइट पे नहीं जाना है। तो बहुत ही आसान और सिंपल तरीका आपको बताने वाला हूँ, आप इंस्टाग्राम के अंदर से ही डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए इसे देखते हैं कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले तो आप अपने इंस्टाग्राम को ओपन कर लेंगे। तो ये हमने इंस्टाग्राम को ओपन कर लिया है और चलते हैं अपने रील्स पे और रील्स आपको डाउनलोड करके दिखाते हैं। तो रील्स पे नीचे क्लिक कर लेते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं रील्स चलना यहाँ पे शुरू हो गया है। चलिए मैं इसका पहले साउंड ऑफ कर देता हूँ। अब यहाँ पे आपको जो भी रील्स पसंद आता है, जो भी वीडियो आपको इंस्टाग्राम से पसंद आता है, उसे आप स्वाइप करके इस तरह से उस वीडियो पे आपको सबसे पहले पहुंच जाना है। चलिए मैं जैसे कोई यहाँ पे वीडियो सिलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे मुझे ये वाला वीडियो पसंद है। आप इसका साउंड सुन सकते हैं, देख सकते हैं। तो इस वीडियो को हम अभी डाउनलोड करने वाले हैं और कोई भी ऐप यहाँ पे डाउनलोड नहीं करेंगे। इसके लिए क्या करना है, आपको जो भी वीडियो डाउनलोड करना है उस वीडियो पे पहुँचना है और राइट हैंड साइड में आप देख सकते हैं ये एक एरो का साइन बना हुआ है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करते हैं उसके बाद इस तरह से आपके सामने एक पेज खुलेगा, यहाँ पे आपको एड रील्स टू योर स्टोरी पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो रील्स हमने सेलेक्ट किया था वो यहाँ पे आ चुका है। अब यहाँ पे हमें अपने दोनों फिंगर से क्या करना है, इसे थोड़ा सा जूम आउट जूम करना है और जूम करके इसमें हमें इसको फिट करना है, फ्रेम में इसको फिट करना है। सो हमने फिट कर दिया और उसके बाद यहाँ पे राइट हैंड साइड में आपको ऊपर में एक आइकन मिलेगा 3 डॉट का, इस पे क्लिक कीजिए और सेव का ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पे क्लिक कर देना है। अब जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे ये प्रोसेसिंग होगा और ये सीधे डायरेक्ट आपके गैलरी में सेव हो जाएगा। देख सकते हैं वीडियो सेव्ड यहाँ पे आ चुका है। अब यहाँ से आप इसे बैक कर देंगे और डिस्कार्ड पे क्लिक कर देंगे और बस यहाँ से अब हमारा रील्स जो है वो सक्सेसफुली हमारे गैलरी में सेव हो चुका है। देख सकते हैं कितना आसानी से हमने रील्स वीडियो को सेव कर लिया है। अब यहाँ से हम बैक आ जाते हैं और जाके गैलरी में एक बार चेक करते हैं कि वीडियो आया है या नहीं। तो फोटोज खोलते हैं, उसके बाद यहाँ पे एल्बम पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वीडियो में हमारा 1 वीडियो यहाँ पे आ चुका है। इस पे प्ले करते हैं, आपको सुनाते हैं पहले। सो देख सकते हैं ये म्यूजिक के साथ यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है हमारा रील्स वीडियो। तो इस तरह से आप भी अपने इंस्टाग्राम रील्स से कोई भी वीडियो को गैलरी में सेव कर सकते हैं बहुत ही आसानी से।